बार फिर रेल हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां बिजनौर में चलती ट्रेन दो हिस्सों में बट गई है, जिसमें 8 बोगी ट्रेन से अलग हो गई हैं। बता दें कि किसान एक्सप्रेस झारखंड के धनबाद से पंजाब फिरोजपुर जा रही थी, तभी हादसा मुरादाबाद के आगे श्योहरा और धामपुर स्टेशन के बीच आज सुबह 4 बजे हुआ। गनीमत रही कि कोई भी यात्री चोटिल नहीं हुआ है। चक्रामल गांव के पास ट्रेन को एसी बोगे की कपलिंग टूट गई, इसके चलते इंजन 13 डिब्बों को लेकर के 4 किलोमीटर आगे 8 डिब्बे पीछे छूट गए। ड्राइवर का गार्ड से संपर्क नहीं हो पाया तो हादसे का पता चला, अफसरों को सूचना दी। रेलवे टीम मौके पर पहुंच गई है और हादसे की जांच में जुटी। एसपी पूर्वी धर्म सिंह मर्शाल का कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते ट्रेन 2 भागों में बट गई। बोगी से अधिकतर पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी सवार थे, उन्हें अन्य वाहनों से भेजा गया है। ट्रेन को जल्द ही जोड़कर रवाना किया जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार रेल हादसे होना वाकई किस बात की पुष्टि करते हैं और किस तरीके के सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। आखिर जब विपक्ष रेल मंत्री से इस बारे में सवाल करता है, रेल हादसों की वजह पूछता है, तो रेल मंत्री अपने काम बताते हुए कहने लगते हैं कि मैं रेल नहीं बनाता, काम करता हूँ। लेकिन जब वो वाकई काम इतना कर रहे हैं तो रेल हादसे क्यों हो रहे हैं? एक वक्त हुआ करता था जहाँ रेल यात्रा को सबसे सुगम और सुरक्षित माना जाता था, लेकिन आज भले रेल को हाईटेक बनाने का काम हो रहा है, नई नई सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, लेकिन इन हादसों को कोई नहीं रोका जा पा रहा। भले ही ये हादसे किसी की जान मान का खतरा नहीं हुआ है, सब सुरक्षित है, लेकिन ये हादसे क्यों हो रहे हैं, ये सवाल खड़े होते हैं। क्यों रेल मंत्री इन हादसों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है और एक बार फिर विपक्ष को बोलने का मौका इस हादसे ने दोबारा दे दिया है।